अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था वैरायटी एंटरटेनमेंट, आज इसके लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और अगले पेज तक। अली अली हेल्ड अली ने पकड़ा द डॉग कुत्ते को इन्हिज़ाम अपने बाजुओं में विद के साथ सम डिफ़िकल्टी कुछ मुश्किल के साथ। अली ने कुछ मुश्किल के साथ कुछ दिक्कत के साथ उस कुत्ते को अपने बाजुओं में संभाला पकड़ा। स्मोकी रिगल्ड सिमटता जाता या मचलता जाता एंटॉन्ट और बलखाता जाता। अली ने बड़ी मुश्किल से कुत्ते को अपने बाजुओं में पकड़ा। स्मोकी मचलता और बलखाता गया। अली प्लेस द शीट अली ने चादर डाल दी ओवर द डॉग कुत्ते के ऊपर एंड हेल्ड द बंडल और उस गठरी को पकड़े रखा टाइटली मजबूती से। अली ने कुत्ते के ऊपर चादर डाली और उस गठरी को मजबूती से पकड़े रखा। ही रीच्ड वो पहुंचा फॉर हिज बैंड अपनी जादुई छड़ी के लिए या उसने अपनी जादुई छड़ी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ऑन द टेबल मेज पर। एंड एज ही डिड सो और जैसे ही उसने ये किया द डॉग कुत्ता लिप्ड आउट फ्रॉम अंडर द शीट। कुत्ता चादर के नीचे से कूद गया जैसे उसने जादुई छड़ी पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया मेज़ पर। और जैसे ही उसने ये किया कुत्ता शीट चादर के नीचे से कूद गया। स्मोकी भौंका एट द ऑडियंस नाजरीन पर एंड देन और फिर रैन भाग गया एंड हाइड अंडर द टेबल और मेज़ के नीचे छुप गया एट द बैक ऑफ द स्टेज के अकबी हिस्से में। स्मोकी नाजरीन पर भौंका और फिर भाग गया और स्टेज के अकबी हिस्से में मेज़ के नीचे छुप गया। द ऑडियंस नाजरीन कुडंट सी स्मोकी ऑडियंस नाजरीन स्मोकी को नहीं देख सके बिकॉज क्योंकि ही वॉज हिडन बिहाइंड अ टेबल क्लॉथ। वो एक मेज़ पोश के नीचे छुपा था। हाउ दे लव्ड यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, मतलब यहाँ पर उन्होंने अपने फीलिंग्स को जाहिर किया है कि क्या खूब हंसे थे वो लोग, कि कितना ज़्यादा हंसे थे। ये इस तरह से डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा हाउ दे, कि ये नहीं कहना कि क्वेश्चन किया, उन्होंने ये कहा है कि क्या हंसे थे, कितना ज़ोर से हंसे थे या किस कदर हंसे थे। नाजरीन स्मोकी को नहीं देख सके क्योंकि वो मेज़ पोश के नीचे छुप चुका था। क्या खूब मुस्कुराए या क्या खूब हंसे। अली डिडंट माइंड अली ने बुरा नहीं मनाया। ही पुल्ड स्मोकी उसने स्मोकी को खींचा बाहर फ्रॉम अंडर द टेबल मेज़ के नीचे से एंड वंस अगेन और एक दफ़ा फिर। अली ने बुरा नहीं मनाया उसने स्मोकी को मेज़ के नीचे से बाहर खींचा और एक दफ़ा फिर प्लेस द शीट ओवर हिम शीट को उसके ऊपर डाल दिया चादर को उसके ऊपर डाल दिया। ही रीच्ड फॉर द वैंड उसने अपनी जादुई छड़ी के लिए हाथ बढ़ाया एंड अगेन और दोबारा स्मोकी जंप फ्रॉम हिज आर्म्स उसके बाजुओं से कूद गया एंड रैन और भाग गया अंडर द टेबल मेज़ के नीचे। दिस टाइम इस दफ़ा द ऑडियंस नाजरीन रोड विद लॉफ्टर ज़ोर से हंसे। रोड होता है दहाड़ना विद लॉफ्टर हंसी के साथ दहाड़ना मतलब बहुत ज़ोर से हंसना। अली ने बुरा नहीं मनाया उसने स्मोकी को टेबल के नीचे से बाहर निकाला और एक दफ़ा फिर चादर को उसके ऊपर डाल दिया। ही रीच फॉर द वैंड एंड अगेन स्मोकी जंप फ्रॉम हिज आर्म्स एंड रेन अंडर द ट्री। अली ने दोबारा अपनी जादुई छड़ी के लिए हाथ बढ़ाया और दोबारा से स्मोकी जो है वो जंप कूद उसके बाजू से कूद कर मेज़ के नीचे भाग गया रैन अंडर द टेबल मेज़ के नीचे भाग गया। दिस टाइम इस दफ़ा द ऑडियंस रोड विद लॉफ्टर ऑडियंस हंसी के साथ बहुत ज़ोर से हंसे। यहाँ तक आपकी रीडिंग हो गई है। इसके साथ वर्ड्स मीनिंग हैं डिफ़िकल्टी मुश्किल से परेशानी से, रिगल मचलता हुआ, टर्न बलखाना टाइटली मजबूती से, वैंड जादुई छड़ी, लिफ्ट उछला, हिडन छुपा हुआ, रोड दहाड़ना बहुत ज़ोर से। क्वेश्चन नंबर 6 Why did Smokey leap out of Ali's arm? Smokey अली के बाजुओं से क्यों उछल रहा था या क्यों उछला था। अली was not holding him tightly. अली संभाल नहीं रहा था टाइटली मजबूती से, सो इसलिए स्मोकी वॉज अलाउड
स्मोकी को इजाज़त थी टू लीप आउट ऑफ हिज आर्म्स उसके बाजुओं से कूदने की। अली स्मोकी को मजबूती से नहीं थाम रहा था जिसकी वजह से इसलिए स्मोकी उसके बाजुओं से उछल कूद कर रहा था उसके बाजुओं से कूद रहा था। डायरी है रीडिंग लर्न पेज नंबर 40 41 प्लस क्वेश्चन नंबर 6 लर्न प्लस राइट।